एपीटीवी भारत आवाज देश की। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी के पास पंतदीप मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम 4 बजे पंतदीप मैदान में बने हेलीपैड से उतरेंगे, वहीं से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां दिल्ली से आई एसपी की टीम ने पंतदीप मैदान के आसपास डेरा डाल लिया है, तो वहीं खुफिया विभाग भी राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना है। आज से ही हिंदुओं के पवित्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। कांग्रेस अपने नए हिंदुत्व चेहरे को जनता के सामने पेश करने की पूरी कोशिश करेगी, जिसके चलते राहुल गांधी को माँ भगवती की पावन चुनरी, रुद्राक्ष की माला और गंगा जली भेंट की जाएगी। इस मौके पर जहां साधु संत भी राहुल गांधी की जनसभा में मौजूद रहेंगे, तो वहीं आसपास की लोकसभा क्षेत्रों के नेता भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह हरिद्वार पहुंचकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। राहुल गांधी पहली बार हरिद्वार शहर में गंगा किनारे किसी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसे लेकर आम लोगों में भी उत्साह है। कल आने से पूरे उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और कार्यकर्ता इस बात को मान के चल रहा है कि उनके आने से काफी इजाफा कार्यकर्ताओं के उत्साह में होगा। और ये निश्चित तौर से आप मान लीजिए कि 5 की 5 सीट कांग्रेस से जीतेगी। हमारे ख्याल में शायद वो 3 बजे तक आ जाएंगे और भारी संख्या में यहाँ पर लोग होंगे और एक अच्छा शुभ दिन भी है कि महा नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और हरिद्वार में उनका आगमन हो रहा है। धार्मिक स्थल भी है और माँ दुर्गा जी की कृपा भी रहेगी कि हम लोग जो है यहाँ पर भी जाएंगे। एपीटीवी भारत के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।